देखिए शिव कुमार जी, मैं कल जो है पूरे प्रशासन को एक चिट्ठी 10 बजे रात में लिख के कलेक्टर को लखनऊ और कलेक्टर गोरखपुर को और कप्तान साहब को लिख के कि मैं फला गाड़ी नंबर से फला समय निकलूंगा, इसलिए कि इन लोगों का आदेश है कि बिना बताए आपको नहीं जाना है। तो मैं यहाँ से निकला और बहुत कोहरा था, बस्ती पहुंचा तो उसके बाद से पुलिस जो है लगातार जो है पुलिस लगातार बस्ती पहुंचने पहुंचते पहुंचते पुलिस लगातार आगे पीछे लगी, रोकने की कोशिश होने लगी। फोन से पहले कोशिश हुई, मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं है, मेरा ज्ञापन तैयार है, मैं विधान भवन के सामने जाऊंगा, विधानसभा के सामने ही ज्ञापन मुझे देना था, मैं कहीं और चीफ मिनिस्टर को देना था, यदि वो नहीं रहते तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और जो है एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर। ये जाते जाते हमको बता दिया गया फैजाबाद में जाके कि आपको बाराबंकी टोल पर रोक लिया जाएगा। सारे टोल पर पुलिस लगी थी, ये लोग देख रहे थे कि डॉक्टर की गाड़ी चलती जा रही थी बाराबंकी टोल पर, बाराबंकी की पुलिस एसडीएम बाराबंकी की गाड़ी वहां लगी थी, भारी पुलिस बल रखी थी लगी थी, दो चैनल हमारे साथ अगल बगल थे, वो भी संयोग से कैमरा उनका था वहां, वहां लगी बात होने। हमने कहा कि नहीं हमको जाना है, कहे कि डॉक्टर साहब आपको हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा कि आप हमको रोक ही नहीं पाएंगे, मैं नेशनल हाईवे पर अभी बैठूंगा। ये बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई, फिर थोड़ी सी बनी, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ज्ञापन आप किसी मिनिस्टर को यहीं बुलाइए, ज्ञापन हो जाए और हमको जाने दीजिए, हमको इको पार्क जाना है, वहां वहां सभी लोग इंतजार कर रहे हैं आज। तो हमारा ज्ञापन हुआ शिव कुमार जी लगभग 11:30 बजे, और उसके बाद हम 17 किलोमीटर आगे चले बाराबंकी की तरफ, बाराबंकी थोड़ा सा और रह गया, तब तक फिर 3 गाड़ियां पुलिस की आके, और उसमें जो है गोरखपुर की पुलिस तब तक बाराबंकी पहुंच गई। अब अंदाजा लगाइए, ये फॉलो अप कर रहे थे हमारे साथ, फिर वहां से हमको वापस किया गया, फिर फैजाबाद में ले आके, हमारे साथ कोई नहीं था, मैं था और जो भी मीडिया के एक आध लोग थे उनको ये लोग ले जाके जो किए किए, खाना वाना खिलाए, मुझे कह रहे थे मैं थका मादा, 3 बजे रात का मैं जगा, पोस्टर बैनर तिरंगा अपना तैयार किया, मैं बताया था कि मैं अकेले जाऊंगा, तो अब लेके ये लोग आए हैं, जगह जगह डिटेन किए, बस्ती में पुलिस बदले, आगे स्कोर्ट एक गाड़ी का लगे हुए थे, हमारी गाड़ी में अलग पुलिस बैठा दिए, और अभी शिव कुमार जी 7:15 बजे 7:20 पर मुझे पहले थाने ले जाया गया शाहपुर में, वहां किसी ने हमको कुछ कहा नहीं और कोई कह भी नहीं सकता शिव कुमार जी, हम जो है इन लोगों की सारी कहता हूं ना कि इन लोगों का सारा बिगाड़ दूंगा, हमको हमारा हाथ छू के यदि जेल खाने ले गए तो इनकी इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा शिव कुमार जी, मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की है, और इनके टूटने से वो टूट जाएगा आंदोलन, और आंदोलन टूटने दूंगा, पूरा मुख्यमंत्री आवास हड़कंप मचा हुआ कि डॉक्टर का ज्ञापन मेरा पहुंच गया, मेरा ज्ञापन जब ये लोग हर्डल करने लगे तो गोरखपुर इंटेलिजेंस को ज्ञापन, इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा कि हमको ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री हाउस में ज्ञापन पहुंच गया, और एक ज्ञापन अलग से, एक ज्ञापन में अलग से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का ज्ञापन रखा था वो मुख्यमंत्री को गया है, और एक ज्ञापन वो जो है अकबर नगर के लिए गया है कि पूस की रात में आप योगी हैं क्या कर रहे हैं कि पूस की रात में कहीं किसी का आशियाना उजाड़ा जाता है, उसको रोक दीजिए, मुझे वहां भी जाना था। और शिव कुमार जी आपको बता दूं आपके चैनल को कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कल 11 बजते मैं कल कप्तान के यहाँ जाऊंगा, मैं स्पेशल लगाए प्रोटेक्शन में भेज हमको लेके लखनऊ, इनको आना पड़ेगा, मैं मंच पकड़ूंगा, और कैसे वेतन नहीं मिलेगा यार, सारा वेतन मिलेगा, बताइए बताइए मित्रों को, हमसे किसी से संवाद नहीं हो पा रहा है अभी, बताइए कि एक पैसे का हिसाब लेके वहां से हटना है, हटना नहीं है, इनका इनका और पैसा अभी है, हमारे हम साथ कमाते अभी हैं। भोल साहब अभी 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 जस्ट ही कोई ना कोई वहां से धरना स्थल से हमारे साथ जुड़ेगा। हम लगातार संपर्क में हैं, लोगों के बातचीत कर रहे हैं, तो अभी कोई ना कोई हमारे साथ धरना स्थल से जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले यही सवाल है, लोग आपके हिरासत और इस सब पर बड़े नाराज नजर आए हैं प्रशासन से। उन्होंने कहा है कि आपने किस हैसियत से हिरासत में लिया है, और ये उनकी मांगों में जो मांग थी उसमें सबसे प्रमुख मांग थी। जी मल्ल साहब, जी आवाज आ रही है, जी आ रही है मल्ल साहब।
देखिए, ये हैसियत से ये लोग हमको जाने नहीं देना चाह रहे थे। इनको पता है कि ये पूर्वांचल गांधी जाएंगे तो किसी कीमत पर इनको मैं चलने नहीं दूंगा। मैं 1 मिनट भी, मैं विधानसभा पर जब ऐलान किया कि मैं विधानसभा पर जाऊंगा, मैं इको पार्क में क्यों जाऊंगा? मुझे मुख्यमंत्री को, अपने अपने ऑनरेबल सीएम को ज्ञापन देना है कि उनको दे दें। और ये लोग एक दिन पहले से ही, रात में ही 11 बजे शासन ने प्लानिंग कर लिया था कि इनको जाने नहीं देना है। चप्पे चप्पे पर ये सारे टोल पर तो पुलिस खड़ा किए हुए थे, गाड़ी मेरी पास हो रही थी टोल पर तो ये लोग देख रहे थे। बाकायदा बाराबंकी में इनको रोकना था, आ बाराबंकी से इनको बैक करना था ताकि पूरा दिन हमारा खत्म हो जाए। ये लोग 7:15 बजे हमें थाने से छोड़े हैं, शाहपुर थाने ले गए। हमारे साथ किसी ने कोई मिसबिहेव नहीं किया, और मिसबिहेव ये करेंगे क्या? हम कोई ऐसा काम नहीं कर मैं करता कि मिसबिहेव कर दें। लेकिन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को बताइएगा वहां कि धैर्य, कमर नहीं टूटनी चाहिए उनकी। मैं आऊंगा तो आंदोलन देंगे कैसे नहीं, एक एक रुपए का हिसाब सत्ता से लूंगा मैं। लखनऊ कल 11 बजे मैं जाऊंगा कप्तान साहब के यहाँ, और मैं स्पेशल सुरक्षा में आऊंगा। या तो सुरक्षा हमको मत दे, हमको जाने दे, हमको बीच में ना रोके। हमको रोकते क्यों है भाई? जगह जगह पुलिस, जैसे कोई आतंकवादी भाग रहा उस तरीके से रोका जा रहा था, हमको डिटेन किया जा रहा था। हमारा सारा पूरा दिन आज इन लोगों ने मटिया मेट कर दिया, खराब कर दिया। ये क्या मतलब होता है? उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सारे बंधु, भाई बंधु इको पार्क में इंतजार कर रहे हैं, हम ही उनकी ताकत थे, हम पहुंचे नहीं। हमारे बदौलत, हमने कह दिया था कि आंदोलन को आवाज दूंगा। आवाज देना क्या गलत, कोई अपराध है क्या? अपनी आवाज भी नहीं सत्ता उठाने देगा क्या? और मुझे हिरासत में कितना दिन रखेंगे? मैं कल भी निकल के सड़क पर इनके, लखनऊ यहीं से इस समय आ जाऊं तो ये क्या हमारा कर लेंगे? लेकिन मैंने इनकी इज्जत की और मुझे हिरासत में रखे हैं। मैं देखता हूं कल 11 बजे एसएसपी साहब, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, गोरखपुर के एसएसपी, शायद मैंने अपने जीवन में उतना अच्छा व्यक्ति नहीं देखा है, डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी हैं, उनसे जाके मिलूंगा। एडीजी साहब अखिल कुमार जी हैं, वो भी अच्छे हैं, मिलूंगा मैं कल अनुमत करा के। और कल से, पर मुझे उम्मीद है कि आज से कल तक अनुदेशकों का हला भला शासन से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। खलबली मची हुई है, जब से मैंने ऐलान कर दिया था, 3 दिन पहले ऐलान किया था, शिव कुमार जी को मालूम था, ज्यों चिट्ठी हमारी गिरी है, इन लोगों की खलबली मची हुई है कि अब वो पूर्वांचल गांधी ना आ जाए इस आंदोलन पर, डायस पर बैठ जाए। मैं डायस पर बैठ जाऊंगा तो पक्का बता रहा हूं कि हक है मेरा, हमारा वो राइट है कि हम काम कर रहे हैं, हमको वेतन दे दें। और विक्रम जी पीछे नहीं हटेंगे, अन्य मित्र पीछे नहीं हटेंगे, वहां इको पार्क में डटे रहिए। शिव कुमार चलिए जी चलिए हैं, मल साहब, अभी आऊंगा मैं आपके पास।